बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंजीनियर्स इंडिया भी ठीक ठाक निकल चुका है ऊपर वैल्यूएशन। क्योंकि मैं इसको इंजीनियर्स इंडिया जिस तरह से मैं लार्सन ट्रैक करता हूँ, इंजीनियर्स इंडिया नहीं करता। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं लार्सन से, बिकॉज साइज में जमीन और आसमान के ऊपर कुछ चीज है तो उसको उतना का फर्क है, इसलिए कंपैरिजन 5 लाख करोड़ और 14 हजार करोड़ का नहीं हो सकता है। हैविंग सेड दैट, इंजीनियर्स इंडिया की भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है और उसके अगेंस्ट इनको वैल्यूएशन मिल रहा है उसका। थोड़ा और अपसाइड होगा इंजीनियर्स इंडिया में भी, लेकिन सेम प्रॉब्लम जो है इसमें लार्सन एंड टुब्रो में, एलएनटी यहाँ पे भी, हाँ इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। वेट करना चाहिए आप लोगों को, और कभी नीचे मिले तो लेना चाहिए, लेकिन एक ट्राजेक्ट्री टुवर्ड्स 300 की पॉसिबिलिटी तो रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है करीब करीब इंजीनियर्स इंडिया में, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद ये चाल आई है ना, तो 300 की तरफ वापस जाना तो चाहिए, लेकिन डायरेक्ट मूवमेंट में थोड़ा सा डर है। नीचे कॉल अप वॉल अप में मिले तो फिर ठीक है, फिर वहां से आपके पास रूम भी बनता है। अभी क्लोज है इसका 260 का, 10% 10-15% का कॉल अप इसमें भी मिले तो सेफ्टी नेट बढ़ेगी जैसे लार्सन में बढ़ेगी। जी।